तो जमशेदपुर के करंडी स्थित LBSM कॉलेज की बदहाली से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रही है। आक्रोशित छात्रों ने जल्द से जल्द स्थिति में सुधार को लेकर कॉलेज में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। कॉलेज परिसर में फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण 3 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। बारिश के मौसम में कॉलेज की कक्षाओं में पानी भर जा रहा है। शौचालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बदबू की वजह से छात्र छात्राएं पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। हम लोग का मांग ये है कि कॉलेज में कई सालों से मैदान की मांग को लेकर, जब से मैदान बनने की प्रक्रिया चल रही है तब से मैदान अधूरी रही है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके हम लोग, आवेदन देते देते हम लोग थक चुके हैं। मौखिक रूप से बहुत बार वार्तालाप हुई है, यहाँ तक लिखित प्रिंसिपल भी दे चुके हैं कि टाइम दे चुके हैं 1 महीना में बनेगा, फिर भी 3-4 साल हो गए फिर भी अभी तक मांग पूरी नहीं की, ना ग्राउंड पूरी की है। इसके अलावा कॉलेज की बदहाली बहुत खराब है, बहुत स्थिति खराब है। आप यहाँ महिलाओं के बाथरूम देखेंगे तो पूरा जर्जर, पूरे बदबू जैसे सैंट मार रही है। कॉलेज में पूरा पानी बाढ़ की तरह बह रही है कॉलेज क्लासेस में। साथ ही साथ अभी बरसात का समय है, यहाँ पर इतना मच्छर है, इतना सब कुछ है कि इसका सफाई नहीं होता। इतना सारा लता उता पौधा उधा है कि कॉलेज अभी तक साफ नहीं कर रही है। हम लोग का मांग ये है कि जो और ग्राउंड बास्केटबॉल जो बन रहा था 6 महीना में पूरा टूट फूट चुका है, पूरा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आगे की कार्रवाई ये है कि अगर ये सब बात प्रिंसिपल नहीं सुनेंगे तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग